एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो वोकेबलरी होती है, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, जो थोड़े समझ में नहीं आते हैं। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम 5 और न्यू वर्ड्स सीखने वाले हैं, जिनका यूज़ करके आप इंग्लिश न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, जो है ट्राइफल। ट्राइफल ये एक वर्ब है, इसका जो अर्थ है हिंदी में वो होता है अपमान करना। अपमान करना, किसी को भी अगर कोई अपमानित करता है, उसका अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है, तब आप इस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, ट्राइफल। एक सेंटेंस देखते हैं, हमें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राइफल द पुअर। वी शुड नॉट ट्राइफल द पुअर। जो वर्ड है वो है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है पारिश्रमिक या वेतन। ये एक नाउन है। अब ये जो रेम्यूनरेशन है, पारिश्रमिक या वेतन, इसका अर्थ है कि आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको उसके बदले में जो भी पैसे मिलते हैं, हम पेमेंट भी बोलते हैं, तो उसका एक और वर्ड है रेम्यूनरेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसे पारिश्रमिक नहीं मिला। ही डिड नॉट गेट रेम्यूनरेशन। He did not get remuneration. जो वर्ड है वो है procrastinate. Procrastinate ये एक वर्ब है, क्रिया है, इसका हिंदी में अर्थ होता है टालना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी आदत होती है कि अपने काम को कल पर, बाद में टालते रहते हैं, मतलब करने से बचते रहते हैं काम को। तो इसके लिए एक वर्ब आप यूज़ करें, procrastinate. एक सेंटेंस देखते हैं, इस काम को मत टालो। Don't procrastinate this work. Don't procrastinate this work. जो वर्ड है वो है reckless. Reckless ये एक नाउन है, इसका हिंदी में अर्थ होता है लापरवाह या बेपरवाह, दोनों एक ही है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या कहते हैं, careless। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बेपरवाह होते हैं, लापरवाही करते हैं, तो हम कह देते हैं कि लापरवाह है, केयरलेस है। लेकिन न्यूज़पेपर में जो वर्ड यूज़ होता है वो है रेकलेस। एक सेंटेंस देखते हैं, दिनेश एक लापरवाह लड़का है। दिनेश इज़ अ रेकलेस बॉय। दिनेश इज़ अ रेकलेस बॉय। जो वर्ड है वो है स्कार्स। स्कार्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है निशान। ये एक नाउन है। अब निशान आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि निशान के लिए हम, या दाग के लिए हम स्टेंस वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ये कौन से निशान की बात हो रही है, जैसे हमारे शरीर पर कहीं भी किसी अंग पर कोई घाव लग जाता है और फिर उसका निशान रह जाता है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्कार, और ज़्यादा निशान है तो स्कार्स बोलेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, उसके शरीर पर बहुत सारे निशान है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्कार्स ऑन हिज बॉडी। He has a lot of scars on his body. इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।